अब खबर रायगढ़ से, जहां बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के कारण किसान अपनी धान नहीं बेच पा रहा है। 10 जनवरी से ही बेमौसम बारिश होने से 5 दिन से धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी बंद कर दी गई। किसानों ने बताया कि धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में शुरू हुई, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी प्रभावित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र साहब ने बताया कि तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा नवंबर से जनवरी तक खरीदी की जाती थी। खरीद तो सही हो रहा है खरीदी, लेकिन अभी जो रकबा के हिसाब में खरीदी अभी 60-70% नहीं हुआ है, 60% के आसपास है। कुल खरीदी करना है हमको 67,000 का जी, है ना, लेकिन अभी खरीदी कुल हुआ है 39,000। तो अभी बेमौसम बारिश भी हुई थी, तो अभी धान खरीदी कैसे कर रहे हैं? धान खरीद भी प्रभावित तो हो रहा है, उठाव भी प्रभावित हो रहा है जी। डीओटी तो कट गया है, उठाव के लिए शासन की तरफ से कट गया है, लेकिन मौसम को देखते हुए उठाव भी नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 1 नवंबर से किसानों के हित को ध्यान रखते हुए वह धान की खरीदी प्रारंभ करते थे, परंतु इस सरकार में 1 नवंबर को हटा करके 1 दिसंबर से चालू किया, तो किसानों के पक्ष में ऐसा ही 1 महीने का नुकसान हो गया। अपनी फसल को बेच नहीं पाए, अपने घर में उनको रखना पड़ा और उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसको सारे किसान भाई भी जानते हैं और सभी लोगों को भी अवगत।